मसूरी के जंगलों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। मसूरी में लाइनमैन पानी के पाइप को चेक कर रहा था, तभी लाइनमैन ने जंगल में अज्ञात शव को पड़ा देखा। उसने तुरंत स्थानीय लोगों को शव के बारे में जानकारी दी और घटना की सूचना पुलिस को दी। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए CO अनिल जोशी ने बताया कि मृतक युवक के शव की शिनाख्त विजय कुमार के रूप में हुई है और पुलिस युवक की मौत के कारणों की हर एंगल से जांच कर रही है। तो वो फिसलते फिसलते गया है, पीछे उसकी चोट भी लगी है और काफ़ी देर पड़ा रहा क्योंकि काफ़ी नीचे 150 मीटर करीब गया है वो नीचे। तो उस दौरान कोई चिकित्सा ना मिली हो, किसी को पता ना लगा हो और सुबह फिर पता लगा हो तब तक डेथ हो गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, सही कारण भी आ जाएगा मृत्यु का। और दूसरा, उसकी शिनाख्त भी कराई जा रही है, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है ये, उसका आधार कार्ड मंगा रहे हैं, तब जाके उसका नाम बताएंगे। 28 साल के करीब उसकी उम्र है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।